ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में रविवार सुबह दर्शन की कतार में लगे श्रद्धालुओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने वीआईपी दर्शन के खिलाफ नारेबाजी कर दी। करीब एक घंटे तक हंगामे का माहौल रहा। मंदिर प्रशासन के जल्द दर्शन के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। छुट्टी वाला दिन होने की वजह से यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। लंबी कतारें लगी थी, 2-3 घंटे में दर्शन हो पा रहे थे। दूसरी तरफ मंदिर के पंडित पुजारी 300 रुपए प्रति व्यक्ति लेकर वीआईपी दर्शन करवा रहे थे। प्रशासन ने वीआईपी दर्शन पर प्रतिबंध लगा रखा है, इसके बावजूद अलग रास्ते से करवा रहे थे दर्शन। सुबह 10 बजे मंदिर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। लोगों ने वीआईपी दर्शन बंद करो की नारे लगाई। कतार में लगे खंडवा की मूंदी निवासी तरुण गुप्ता का कहना है कि मंदिर के पुजारी श्रद्धालुओं से पैसे लेकर अलग रास्ते से ले जाकर दर्शन करवा रहे हैं। वे चिल्ला रहे थे 300 रुपए में दर्शन कर लो। तरुण ने इसका वीडियो भी बनाया। 5 सदस्यीय परिवार के लिए 1500 रुपए। तरुण के मुताबिक 5 सदस्यीय एक परिवार ने कहा कि 1000 रुपए लेकर उन्हें दर्शन करवा दो, लेकिन पुजारियों ने 1 रुपए भी कम नहीं किया। वे प्रति श्रद्धालु 300 रुपए में दर्शन करा रहे थे। उस परिवार से 1500 रुपए लिए और दर्शन करवाए।